अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टडी कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया को और हमने उसके अंदर स्टडी किया था ग्रेड रेडिएटा। आज हम स्टडी करेंगे ग्रेड बाइलेट्रिया को, जो कि यू मेटाजोआ के अंदर एक डिवीजन है। और बाइलेट्रिया के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनके अंदर बाइलेट्रल सिमिट्री होती है, और ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और बॉडी के अंदर दो रीजन्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, और उसके अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स अरेंज होते हैं। ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर जो सबसे पहला फाइलम आता है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, और प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट फ्लैटवर्म्स आते हैं। तो आज हम डिटेल में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को स्टडी करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है, ये वर्ड प्लेटीहेल्मिन्थ जो वर्ड है ये दो लफ्जों से डिराइव हुआ है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्स कहते हैं वर्म को। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स आमतौर पे फ्लैट वर्म कहलाते हैं। फ्लैट वर्म हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है, जिस तरह एक पत्ते की सरफेस होती है, लीफ की सरफेस होती है, तो इसी तरह ये भी एक लीफ की तरह होते हैं। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, कोई भी हार्ड पार्ट इनके अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि कोई स्केलेटन वगैरह प्रॉपर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, यानी कि बॉडी जो है वो चपटी होती है। एक इनके ये डॉर्सल सरफेस होती है, कमर वाली साइड है, और एक इनकी वेंट्रल सरफेस होती है, बैली वाली, पेट वाली साइड है। और बॉडी इन दोनों साइड से ऐसे लगता है जैसे किसी चीज के दरमियान रख के प्रेस कर दी गई है, कंप्रेस्ड है। ये सारे एनिमल्स जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी बॉडी जो है वो थ्री जर्म लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, और ये थ्री जर्म लेयर्स जो हैं वो हैं एक्टोडर्म, इसके अलावा एंडोडर्म और मीजोडर्म। तीन जर्म लेयर्स पर मुश्तमिल बॉडी है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स, ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप किसी फ्लैट वर्म का क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें आप देखेंगे कि बॉडी सबसे बाहर जो है वो एक एक्टोडर्म से कवर्ड है, और सबसे दरमियान में आपको एंडोडर्म नजर आएगी जो इस ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव ट्रैक बना रही होगी, गट वगैरह बना रही होगी, और इन दोनों के दरमियान में जो सारा एरिया है वो कवर किया हुआ होगा ग्रुप ऑफ सेल्स ने, जिसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा, और ये मीजोडर्मली डिराइव्ड सेल्स हैं। दरमियान गट के अलावा आपको कहीं और भी खाली जगह नजर नहीं आएगी, कोई कैविटी मौजूद नहीं है, इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है एसिलोमेट्स या विदाउट सिलोम ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके क्लीवेज पैटर्न को स्टडी करें तो ये सारे एनिमल्स जो हैं प्रोटोस्टोम्स हैं। प्रोटोस्टोम का मतलब है कि ब्लास्टुला स्टेज में इनके अंदर जो फर्स्ट ओपनिंग बनती है, यानी कि ब्लास्टोपोर बनता है, तो ब्लास्टोपोर जो है अल्टीमेटली इनके अंदर माउथ बनाता है, इस वजह से हम इनको प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। और ये सारे एनिमल्स जो हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल की बात हमने की कि बॉडी जो है वो उसके अंदर दो इक्वल हाल्व्स हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। और ऑन बाइलेटरल सिमेट्री की हम डेफिनेशन यूं करते हैं कि ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सिस डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को इस एंगल से दो हिस्सों में काटूं तो एक ये लेफ्ट साइड होगी और एक इसकी राइट साइड होगी, और ये दोनों साइड जो है मिरर इमेज होंगी। किसी और एंगल से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करता हूं तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है उसके अंदर आमतौर पे सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती। जो इसके बाद कुछ ग्रुप्स आएंगे वहां पे हम देखेंगे कि बॉडी जो है वो यूजुअली सेगमेंटेड होती है।
लाइफस्टाइल इनका कैसा है, तो ये अक्सर जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो सारे के सारे ही पैरासाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे टीनिया सोलियम या टेप वर्म जो है वो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। फैसियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक जो है ये हमारी बाइल डक्ट के अंदर रहता है, पैरासाइट है ह्यूमंस का। इसी तरह शिस्टोसोमा जो है ये ब्लड फ्लू कहलाता है और ये ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे पैरासाइट हैं और अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं और उससे जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, बनी बनाई फूड जो है वो चोरी कर लेते हैं। आमतौर पे ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये दुनिया में ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स वो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पे जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, यानी कि अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो उसके अंदर जो ये सेंटर के करीब जो मुल्क पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं। यहाँ पे आमतौर पे गर्म मरतूब आबो हवा होती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और गर्मी शदीद होती है, तो इन मुल्कों के अंदर ये ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग स्पीशीज भी जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे डुगीसिया या प्लेनेरिया जो है ये एक फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाला फ्लैटवर्म है। साइज जो है वो प्लेनेरिया का फॉर एग्जांपल फ्यू मिलीमीटर होता है, लेस देन 10 मिलीमीटर तकरीबन इसका साइज होता है। उसके मुकाबले में अगर आप टेप वर्म को देखें तो इसका साइज सेवरल मीटर्स हो सकता है। ये जो आपको यहाँ पे बार नजर आ रही है ये बार तकरीबन 1 फुट के बराबर है, और उसके मुकाबले में आप ये देखें तो कम से कम ये जो एक सिंगल टेप वर्म है ये 10-15 फुट के बराबर है, तो सेवरल मीटर्स तक टेप वर्म्स की लंबाई हो सकती है। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो रिलेटिवली इनके अंदर सिंपल हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिस तरह हमने रेडिएटा के अंदर देखा था, नाइडेरियंस के अंदर देखा था कि वहां पे बॉडी जो है वो एक सिंपल सैक थी। मिसाल के तौर पे हाइड्रा जो है उसके अंदर एक सिंपल एक कैविटी थी, एक सिंगल ओपनिंग थी माउथ, और यहीं से फूड एंटर होता है और यहीं से बाहर जाता है। तो यहाँ पे भी केस वही है, सिर्फ क्या है कि वो जो सैक था वो फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेज के अंदर जो है, जिस तरह ये दो ब्रांचेज हैं तो इसी तरह बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो गया है। ये इसका माउथ है और ये सैक यहाँ से शुरू होता है और ये एक ब्रांच ये आ रही है, इसी तरह इसकी एक ब्रांच जो है वो यहाँ से आ रही है, इसी तरह दो ब्रांच एक बड़ी ब्रांच जो है ये है, और ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड हैं। तो ब्रांच्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिंगल ओपनिंग है, सिर्फ माउथ है, एनस इनके अंदर मौजूद नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिलेटिवली पुअरली डेवलप्ड है। पोअरली डेवलप्ड इसलिए है कि इनको कभी फूड डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनमें से अक्सरियत जो है वो डायरेक्टली अपने होस्ट से फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, बना बनाया ग्लूकोज और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फूड को डाइजेस्ट करने की इनको जरूरत नहीं होती। कई ऑर्गेनिजम्स इनमें ऐसे हैं जिनके अंदर फूड डाइजेस्टिव सिस्टम सिरे से है ही नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रिलेटिवली बेहतर इनके अंदर मौजूद है नाइडेरियंस की निस्बत, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर जो है काफी सारी ब्रांच्ड नालियां होती हैं पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं तमाम सेल्स तक, और इन ब्रांचेस की इनमें से हर एक ब्रांच की टिप के ऊपर जो है एक छोटी सी स्वेलिंग होती है, और इस स्वेलिंग को अगर आप गौर से देखें तो ये एक फ्लेम सेल बना हुआ आपको नजर आएगा। फ्लेम सेल हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक सीलिया का गुच्छा होता है छोटा सा, और इसमें क्या होता है कि ये जो सेल है ये अपने सराउंडिंग से जितना भी फ्लूड भरा हुआ है बॉडी के अंदर, तो उस फ्लूड में से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं वो कलेक्ट करता है, और ये सीलिया जो कॉन्स्टेंटली बीट कर रहे होते हैं तो यहाँ से फ्लूड जब फ्लो करता रहता है तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट ये सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, इनको एब्जॉर्ब करके इन नालियों में भेज देता है और अल्टीमेटली ये बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो नर्वस सिस्टम है वो भी रिलेटिवली
थोड़ा सा एडवांस्ड है। एडवांस्ड इस लिहाज से है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाकायदा तौर पर एक हेड मौजूद है। फाइलम नाइडेरिया के अंदर हमने देखा था कि वहां पे कोई प्रॉपर हेड नहीं था, यहाँ पे प्रॉपर हेड है, और हेड के अंदर जो है वो का जो न्यूरॉन्स का ग्रुप मौजूद होता है जिसको हम गैंग्लियॉन कहते हैं। अब इस गैंग्लियॉन से फिर फर्दर दो नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं, दो नर्व्स निकलती हैं, और ये नर्व्स फिर आगे बॉडी में फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हुई हुई होती हैं। इसके अंदर ज्यादातर जो केमिकल्स को डिटेक्ट करने के ऑर्गन्स हैं, इसी तरह लाइट को डिटेक्ट करने के जो ऑर्गन्स हैं वो ये एंटीरियर एंड पे यानी कि हेड पे मौजूद होते हैं। दो इसके अंदर आई स्पॉट आमतौर पे प्लेनेरिया के अंदर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इसको जो है वो केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, स्मेल या टेस्ट करने के लिए ऑर्गन्स मौजूद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी जो सिस्टम्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इनकी बॉडी जो है वो बहुत ही स्मॉल है, और ये स्मॉल बॉडी का फायदा ये होता है कि ये जस्ट अ फ्यू सेल लेयर्स थिक होती है, बारीक सी बॉडी होती है, और गैसेस जो हैं वो डायरेक्टली इनकी स्किन से डिफ्यूज हो सकती हैं, तो कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत इनको नहीं पड़ती। लोकोमोशन जो है वो आम तौर पे जो पैरासिटिक स्पीशीज हैं वो तो मूव ही नहीं करती। जिस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर लेती हैं फिर उसी के अंदर सारी जिंदगी गुजारती हैं, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके मुकाबले में जो फ्री लिविंग स्पीशीज हैं, मसलन प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया की पूरी बॉडी जो है वो सीलिया के अंदर कवर्ड होती है, और इन सीलिया के जरिए से ये पानी के अंदर स्विम कर सकता है और जाके किसी दूसरे छोटे मोटे अपनी खुराक वगैरह ढूंढ सकता है, छोटे मोटे जानवरों को खा सकता है। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पेशल तरीके से होती है जिसको फिशन कहते हैं। फिशन के दौरान क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म दरमियान में से ट्रांसवर्सली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक इसकी राइट साइड बन जाती है, एक लेफ्ट साइड है, तो ये दो हिस्सों में यहाँ से दरमियान से डिवाइड हो जाएगा। और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये अपनी लेफ्ट साइड नहीं बना लेगा, और ये लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है ये अपनी राइट साइड जो है ये नए सिरे से दोबारा बना लेगा, और ये दोनों अपने बाकी पार्ट्स जो है रीजनरेट कर लेंगे, और उसके नतीजे में ये दो कंप्लीट इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम फिशन का प्रोसेस कहते हैं। उसके मुकाबले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसी तरह से स्पर्म और एग के मिलने से बनती है। अक्सर स्पीशीज जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओवरीज भी हैं और टेस्टिस भी हैं, और ओवरीज जो हैं वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इनके मिलने से जो है जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर लार्वा बनाता है, और लार्वा से फिर आगे कंप्लीट एडल्ट बनता है। फूड जो है, जो पैरासिटिक स्पीशीज हैं वो डायरेक्टली अपने होस्ट से ही फूड ऑब्टेन कर लेती हैं। इसके मुकाबले में जो फ्री लिविंग स्पीशीज हैं वो आमतौर पे स्मॉल साइज्ड एनिमल्स को खा के, प्रोटिस्टा वगैरह को खा के, या प्लांट मैटर को खा के, या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा के जिंदा रहती हैं। कॉमनली जो फ्लैट वर्म्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनके अंदर सबसे पहले ड्यूगेसिया है, जिसको हम प्लेनेरिया भी कहते हैं। प्लेनेरिया जो है ये एक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है, और इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से सीलिया होते हैं, और ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। उसके मुकाबले में फेसियोला हेपैटिका है। फेसियोला हेपैटिका को हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। लिवर फ्लूक आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा है। लिवर फ्लूक जो है ये ह्यूमंस के अंदर एंडो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट्स जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं, बॉडी के ऊपर नहीं रहते बल्कि अंदर रहते हैं। तो ये शीप के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू एंटर होता है, और फिर वहां से बाइल डक्ट के अंदर जाकर वहां पे बैठ जाता है, और फिर सारी लाइफ वहां पे गुजारता है। इसके हेड के ऊपर जो है ये यहाँ पर सकर्स मौजूद होते हैं। सकर्स ऐसे ऑर्गन हैं जिनके जरिए से ये टिश्यू के अंदर जो है
अटैच हो जाता है परमानेंटली और फिर वहां से रिमूव नहीं होता। फेसियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक जो है अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट्स के अंदर कंप्लीट करता है। इसका मेन होस्ट जो है वो शीप या मैन है, इसके मुकाबले में इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो स्नेल है। जब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इन्फेक्टेड शीप या मैन के फीसिस पानी वगैरह के अंदर शामिल हो जाते हैं तो वहां पे जो स्नेल्स रह रहे होते हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है और फिर वहां से निकल के अल्टीमेटली जो है वाटर से फिर ये शीप की बॉडी में या मैन की बॉडी के अंदर दोबारा से दाखिल होता है। उसके अलावा एक और बड़ा कॉमनली फाउंड फ्लैटवर्म जो है वो टेप वर्म है। टेप वर्म को हम साइंटिफिक नेम लेते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम भी एक एंडो पैरासाइट है ह्यूमंस के अंदर, और इसके अलावा ये कैटल में और पिग के अंदर मेनली इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो पिग या कैटल है, यानी कि लाइफ साइकिल का आधा हिस्सा ये मैन के अंदर कंप्लीट करता है और बाकी आधा हिस्सा जो है वो पिग में या कैटल के अंदर कंप्लीट करता है। इसकी बॉडी जो है वो एक लंबे से रिबन की तरह होती है, और ये रिबन जो है ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलके बना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से टुकड़ों से मिलके बना हुआ है और एक लंबा सा रिबन है, और ये जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं इनको हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं। अब प्रोग्लॉटिड जो है, हर एक प्रोग्लॉटिड के अंदर सेक्स ऑर्गन्स का एक पेयर मौजूद होता है, और ये जो सबसे नीचे के मौजूद प्रोग्लॉटिड्स हैं ये वक्तन फवक्तन जो है ये टूटते रहते हैं। अब ये जो टेप वर्म है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। अब होता क्या है कि इसके ये जो प्रोग्लॉटिड्स हैं इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं, और इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर एग और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और एग और स्पर्म जो है वो विद इन द बॉडी ऑफ द मदर रहते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो जो है वो अभी प्रोग्लॉटिड के अंदर ही होता है, तो काफी सारे हजारों की तादाद में एम्ब्रियो जो है वो आखिरी प्रोग्लॉटिड के अंदर जमा कर दिए जाते हैं, और फिर ये प्रोग्लॉटिड जो है वो यहाँ से बॉडी से टूट जाता है और फीसिस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। वहां पे जाके ये मट्टी वगैरह के अंदर मिल जाएगा, और फिर जो है ये मट्टी के अंदर मिल जाएगा तो लार्वा जो है अल्टीमेटली वो ग्रास वगैरह के ऊपर कंटेमिनेशन काज करेगा, और जब कोई जानवर मसलन कोई बकरी या गाय वगैरह जो है वो ये ग्रास को खाएगी तो ये इसके मसल्स के अंदर जाके गट के थ्रू उसके मसल्स के अंदर जाके बैठ जाएगा। अब ये मसल्स जो है बाद में आप उस जानवर को अगर जिबा कर लेते हैं और उसको खाते हैं और उसके गोश्त को आप ठीक तरह से पकाते नहीं हैं और जो है कच्चा गोश्त खाने की कोशिश करते हैं जो प्रॉपरली कुक्ड ना हो, तो क्या होगा कि ये इसके जो लार्वी हैं ये सरवाइव कर जाएंगे और वो हीट से मरे नहीं होंगे तो वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। अब इसके हेड के ऊपर जो है एक सकर होता है, और सकर के अंदर बहुत ज्यादा कांटे मौजूद होते हैं जिसके जरिए से ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर चिपक जाता है और वहां पे फिर कंप्लीटली ग्रो करता है, और ग्रो करके ये सेवरल मीटर्स साइज में पहुंच जाता है, और उसके बाद दोबारा से इसका लास्ट प्रोग्लॉटिड जो है वो नए सिरे से लाइफ साइकिल शुरू करता है। इसके अंदर एग्स होते हैं और ये फीसिस के थ्रू पास ऑन होता है, और इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब ये टेपवर्म जो है इसको ट्रीटमेंट करना इसका बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अगर इसका बॉडी ये सारी की सारी बॉडी यहाँ से टूट के फीसिस के थ्रू रिमूव भी हो जाए तो, और सिर्फ इसका हेड लगा रह जाए तो ये रीजनरेट करके कंप्लीट रिबन दोबारा से बना सकता है, तो इसकी वजह से इनकी ट्रीटमेंट मुश्किल होती है। फिर इसके ऊपर सकर्स होते हैं जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइन से इतनी आसानी से निकलता नहीं है और वहां पे परमानेंटली अटैच रहता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है वो एनीमा कहलाती है। एनीमा के दौरान एनस के थ्रू जो है वो मेडिसिन इंटेस्टाइन के अंदर डाली जाती है जिसकी वजह से ये टेप मर जाता है और फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है।
अब ये जो टेप वर्म्स हैं, सॉरी ये जो फ्लैट वर्म्स हैं, ये बेसिकली बने ही पैरासिटिक लाइफ साइज लाइफ स्टाइल के लिए हैं। इनकी लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है वो पैरासिटिज्म के लिए एडेप्टेड है, बड़ी अच्छी तरह से स्पेशलाइज्ड है। मिसाल के तौर पे इनकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस नहीं होती, बल्कि उसके मुकाबले में एक बहुत ही रिजिस्टेंट क्यूटिकल मौजूद है। अब ये क्यूटिकल क्या करती है कि जब इनके लार्वी को या किसी और इसके एग्स वगैरह को इंजेस्ट किया जाता है, तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये जो क्यूटिकल है, ये HCl से या एंजाइम से, होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा एक दफा अगर ये आपके बॉडी के अंदर पहुंच गए, तो वहां पे सकर्स या हुक्स की मदद से परमानेंटली जुड़ जाएंगे और फिर इनको रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर क्योंकि एक दफा ये होस्ट तक पहुंच जाए, तो उसके बाद ये आमतौर पे किसी और जगह पे इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए इन्होंने जितनी भी गैर जरूरी चीजें थी वो बॉडी से रिमूव कर दी है। मिसाल के तौर पे मसल्स और उनको कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स जो हैं वो सिरे से इन्होंने खत्म कर दिए, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं थी, और ये परमानेंटली स्पेशलाइज हो गए हैं पैरासिटिज्म के लिए। फिर इसके अलावा इनको डाइजेस्टिव सिस्टम भी, एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अक्सर औकात होस्ट से बनी बनाई खुराक इनको मिल जाती है, तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड है। इसके अलावा लेकिन क्या है कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक चूंकि पहुंचना है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। आमतौर पे लाखों की तादाद में एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि उनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी होस्ट तक किसी तरह लाजमी पहुंच जाए। इसके अलावा लाइफ साइकिल जो है वो आमतौर पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और एक से ज्यादा होस्ट्स के अंदर ये अपनी लाइफ गुजारते हैं, जिसकी वजह से इनके सक्सेस के चांसेस जो हैं कि अगर एक होस्ट अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा होस्ट ऐसा होगा जिसके अंदर ये लाइफ गुजार लेंगे। तो इस तरह से लाइफ के गुजारने के चांसेस जो हैं वो सक्सेसफुली कोई होस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।